सीहोर के मंडी क्षेत्र स्थित एक इमारती लकड़ियों के टाल में लगी आग ने लगभग 70 लाख की इमारती लकड़ी जलकर राख कर दी। प्रशासन की लापरवाही के चलते लगभग 1.5 घंटे के बाद भोपाल से आई लगभग आधा दर्जन फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद लगभग 2 घंटे में इस आग पर काबू पाया। घटना की सूचना के बाद भोपाल से सांसद बनी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और पीड़ित परिवार को ढाढ़स बंधाया। वहीं इस हादसे की सूचना के बाद घटनास्थल पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया, हालांकि प्रशासन का कोई भी बड़ा अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। हालांकि इस अग्नि हादसे में कोई जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन संपत्ति का काफी नुकसान हुआ। जो भी आगे जो भी आवश्यकता होगी मैं उसकी पूरा प्रयास करके उनको पूरा करवाने का प्रयास करूंगी। और ये एक संवेदना है, पूरा सीहोर आज यहाँ उभड़ा हुआ है और ये बड़ी भीषण आग है। मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि सब जल्दी से ठीक हो जाए और लोगों को जो भी हानि हुई है वो माल की हानि हुई है, इसलिए वो पूर्ति संभव है और वो मैं करवाने का पूरा प्रयास करूँगी। बात तत्काल पुलिस और प्रशासन सक्रिय हो गए। चूँकि गर्मी है, गर्मी में हवा ज़्यादा है और गर्म होने की वजह से वातावरण का आग जल्दी फैलती है। ताल में आग लगी थी, लकड़ियों में आग लगी थी और लगातार प्रयास करने के बाद हमने लगभग 20 से अधिक फायर ब्रिगेड से इस आग पर काबू करने की कोशिश की है। अभी ये अंतिम चरण में है, जब तक पूरी आग नहीं बुझ जाती पुलिस और प्रशासन फायर ब्रिगेड यहाँ पर मौजूद रहेंगे और पूरी आग बुझाने के बाद जो यहाँ से रिहैबिलिटेट हुए हैं जिनका नुकसान हुआ है उनके लिए भी प्रशासन आवश्यक है। सीहोर से EMS TV के लिए शिवराज सिंह राजपूत के साथ राजेश शर्मा की रिपोर्ट।